Hello students, welcome to the channel. And here I have brought the video class 8 science, and in this video I'm going to explain the chapter 7, and the name of the chapter is cell structure and functions. ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो में चैप्टर 7 को पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. तो स्टार्ट करने से पहले हम इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को देख लेते हैं. ऑब्जेक्टिव है टू अंडरस्टैंड द डिस्कवरी ऑफ द सेल. सेल की डिस्कवरी कैसे हुई, ठीक है, ये आपको समझना है. एंड एक्सप्लोर द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर स्टडिंग सेल. जिस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से हम सेल को स्टडी करते हैं, यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट दैट. डिफरेंशिएट बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या डिफरेंस होता है, आप इसको पढ़कर समझेंगे. डेमोन्स्ट्रेट द डिफरेंट पार्ट ऑफ द सेल. सेल के कितने पार्ट होते हैं उनके बारे में आप जानेंगे. डिफरेंशिएट बिटवीन द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल. प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस होता है, ये भी आप इस चैप्टर में सीखेंगे. कंपेयर बिटवीन द प्लांट एंड द एनिमल सेल. प्लांट सेल और एनिमल सेल, यानी कि प्लांट की बॉडी में जो सेल पाई जाती है और जो एनिमल की बॉडी में जो सेल पाई जाती है, उन दोनों को आप कंपेयर करेंगे कि क्या सिमिलरिटी है, क्या डिफरेंस है. ठीक है, तो स्पेशली हम लोग इसमें सेल के बारे में बात करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ आर मेड अप ऑफ सेल्स. अगर आप देखें, दुनिया में दो तरीके की चीज़ें पाई जाती है, एक तो लिविंग, दूसरी नॉन लिविंग. तो अगर हम लिविंग चीज़ों की बात करें, तो जितने भी लिविंग बींग्स दुनिया में पाए जाते हैं, वो सब के सब किसके बने होते हैं, सेल्स के बने होते हैं. ठीक है, तो सेल को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कोई दीवार होती है, वॉल होती है ना, तो वो जो वॉल या दीवार होती है वो छोटे छोटे सिंपल यूनिट से मिलकर बनी होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रिक, ईंट बोलते हैं ना, ब्रिक. तो जैसे कोई दीवार छोटे छोटे ब्रिक से, ईंटों से मिलकर बनी होती है, उसी तरीके से लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी जो होती है वो छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बनी होती है, उसी को हम लोग बोलते हैं सेल. तो सेल को आप डिफाइन कर सकते हैं कि सेल इज़ द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ. ओके, अ सेल इज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग बेसिक फंक्शंस लाइक रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, लोकोमोशन, ग्रोथ एट्सेट्रा टू लिव. एक सिंगल सेल जो है ये कैपेबल होती है कि ये सारे बेसिक फंक्शन जो जिंदगी के लिए, जो लाइफ के लिए, जो जीवन के लिए इम्पॉर्टेंट है, ये सारे जो फंक्शंस हैं वो एक सेल परफॉर्म करती है. ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको दो कैटेगरी में हमने डिवाइड किया है, प्लांट और एनिमल. ठीक है, ऑल एनिमल एंड प्लांट आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर ऑल दो दे आर मेड अप ऑफ सेल. अगर आप बाहर से किसी प्लांट और एनिमल को कंपेयर करेंगे तो आप पाएंगे कि दोनों बहुत डिफरेंट हैं, है ना, दे लुक सो डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. बट अगर आप उनकी स्टडी करेंगे तो यू विल फाइंड कि चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, बोथ आर मेड अप ऑफ सेल. प्लांट भी सेल के ही बने हुए हैं, एनिमल भी सेल के ही बने हुए हैं. अब हम बात करते हैं डिस्कवरी. ठीक है, कैसे पता चला, सबसे पहले किसने पता लगाया सेल के बारे में. तो एक डच साइंटिस्ट थे, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक. ये सबसे पहले इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले ये पर्सन थे जिन्होंने स्मॉल ऑर्गेनिज्म को ड्रॉप ऑफ पॉन्ड वाटर में माइक्रोस्कोप के थ्रू देखा था. ठीक है, और इंग्लिश साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक. उन्होंने 1665 में ऑब्जर्व किया था सेल को. तो डिस्कवरी ऑफ सेल का जो क्रेडिट है वो किसको जाता है, रॉबर्ट हुक. इन 1665 ही डिस्कवर्ड द सेल फॉर द फर्स्ट टाइम. और उन्होंने कहाँ पे सेल को देखा था, इन अ वेरी थिन पीस ऑफ कॉर्क. कॉर्क क्या है, कॉर्क क्या है, बार्क ऑफ अ ट्री. ठीक है, बार्क ऑफ अ ट्री, एक ट्री है उसका, उसके पेड़ की छाल है. ठीक है, एक ट्री है उसकी छाल है, बार्क है, उसी को बोलते हैं कॉर्क. तो उस कॉर्क में ही उन्होंने अपने खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप में देखा था सेल को सबसे पहले. और जब उन्होंने कॉर्क को देखा अंडर द माइक्रोस्कोप, तो उन्होंने देखा कि जो सेल्स थी वो कंपार्टमेंट में, बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट थी, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं छोटे छोटे बॉक्सेस बने हुए हैं. तो हनीकॉम्ब की तरह ये दिखाई दे रहे थे, इसलिए हनीकॉम्ब में जो कंपार्टमेंट्स होते हैं उनको भी हम सेल कहते हैं. तो उसी से रिलेट करके इन्होंने सेल को सेल बोला. ठीक है, जिसका मतलब होता है स्मॉल रूम, बहुत ही छोटे छोटे रूम.
वॉट ही हैड सीन वॉज डेड सेल ऑफ द कॉर्क. कॉर्क में जो सेल उन्होंने देखी थी, हेक्सागोनल सेल, जो कंपार्टमेंट छोटे छोटे उन्होंने देखे थे, एक्चुअली ये क्या थी, डेड थी. ये सेल कैसी थी, डेड. ठीक है, अब हम बात करते हैं एंटोनी वॉन लीवेनहॉक की. एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने सबसे पहले लिविंग सेल को ऑब्जर्व किया था. इन्होंने कैसी सेल को ऑब्जर्व किया था, डेड सेल. इन्होंने सबसे पहले जो सेल डिस्कवर की थी वो कैसी थी, डेड. लेकिन उसके बाद एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने 1675 में, ठीक है, 1674 में इन्होंने सबसे पहले जो है वो लिविंग सेल को पॉन्ड वाटर में देखा था और उसका पता लगाया था. और खुद ही उन्होंने अपने से ही माइक्रोस्कोप बनाया था और उसी माइक्रोस्कोप के अंदर उन्होंने सेल को ऑब्जर्व किया था. नाउ विल टॉक अबाउट द सेल थ्योरी. ठीक है, ग्रुप ऑफ थ्री जर्मन साइंटिस्ट, जर्मनी के तीन साइंटिस्ट थे, कौन कौन थे, स्क्लीडेन, स्वान एंड वर्चो. इन्होंने 1838 में एक थ्योरी प्रपोज की. इस थ्योरी में उन्होंने क्या कहा, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेटापोज सेल. उन्होंने कहा कि दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सब के सब किसके बने हुए हैं, सेल के बने हुए हैं. न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल बाय सेल डिवीजन. और कोई भी नई सेल तभी बनेगी जब कोई पुरानी ओल्ड सेल जो होगी वो डिवाइड करेगी. ठीक है, कोई ओल्ड सेल होगी उसमें क्या होगा, सेल डिवीजन होगा लाइक दिस और उससे नई सेल बनकर तैयार होगी. ये सेल थ्योरी में इन लोगों ने बताया. नाउ विल टॉक अबाउट द इंस्ट्रूमेंट फॉर स्टडिंग सेल. क्योंकि सेल का साइज बहुत छोटा होता है, दे आर वेरी माइन्यूट, यू कैन नॉट सी विद योर नेकेड आइज. ठीक है, तो इसलिए हम इसको एक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू देख पाते हैं और उस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं माइक्रोस्कोप. ठीक है, माइक्रोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट विच कैन मैग्नीफाई ऑब्जेक्ट मच मोर देन अ सिंपल हैंड लेंस और मैग्नीफाइंग ग्लास. जो माइक्रोस्कोप होता है वो क्या करता है, किसी भी छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट के इमेज को मैग्नीफाई यानी कि बड़ा कर देता है और हम उसे देख पाते हैं. बहुत सारे टाइप के माइक्रोस्कोप होते हैं. ठीक है, और जब हम माइक्रोस्कोप के अंदर क्या करते हैं, सेल्स को देखते हैं, तो उसको उससे पहले उसको हम क्या कर लेते हैं, स्टेन यानी कि डाई कलर कर लेते हैं. क्योंकि सेल जनरली क्या होती है, ट्रांसपेरेंट, तो हमें देखने में दिक्कत होगी, इसलिए हम उसको कलर कर लेते हैं, फिर उसको डिटेल में स्टडी करते हैं. ठीक है, और जो ऑर्गेनिजम्स बहुत ही स्मॉल होते हैं, जैसे वायरस, बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीसियम, क्लेमाइडोमोनास, स्पायरोगारा, जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, क्योंकि हम उनको सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देख पाते हैं. ठीक है, अब हम बात करेंगे यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की. तो यूनि का मतलब होता है वन और मल्टी का मतलब होता है मेनी. ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी में सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल है, दे आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल हो जाएगा अमीबा, पैरामीसियम, क्लेमाइडोमोनास, ईस्ट. ठीक है, और जो ऑर्गेनिज्म्स क्या होते हैं, उनकी बॉडी में मेनी सेल्स होती हैं, बहुत सारी सेल्स होती हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं. जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी एक ही सेल के अंदर सारे लिविंग फंक्शंस होते हैं, जैसे फूड का डाइजेशन, रिस्पायरेशन, एक्सक्रीशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, सब एक ही सेल के अंदर होता है. जैसे आप ये देख सकते हो, अमीबा एक ही सेल है, पैरामीसियम एक ही सेल है, क्लेमाइडोमोनास वन सेल, यूग्लिना वन सेल, ये सारे क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है. ठीक है, एक मुर्गी का जो अंडा होता है वो भी एक सिंगल सेल होता है, लेकिन ये इतना बड़ा होता है कि हम नेकेड आई से देख सकते हैं. तो अगर आपसे कोई पूछता है कि आपने सेल देखा है, तो यस आपने देखा है. जो एग आपने आप देखते हो, मुर्गियों के अंडे जो आप देखते हो, वो एक सिंगल सेल होता है. ठीक है, तो आप कह सकते हो यू हैव सीन द सेल. जिनके बॉडी में, जिन ऑर्गेनिज्म की बॉडी में मेनी यानी कि बहुत सारी सेल्स होती हैं, एक से ज़्यादा बहुत सारी सेल्स होंगी, उनको हम मल्टी सेलुलर बोलेंगे. जैसे कि इससे जितने भी प्लांट्स, एनिमल्स आप अपने चारों तरफ देखते हो, वो क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं. हम जो ह्यूमन बींग्स हैं, हम भी क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है. हमारी बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं. ठीक है, एंड ईच सेल असाइन टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर एक्टिविटी. और हर एक सेल के पास अपना काम है और वो अपना काम परफॉर्म करती है. जैसे कि आर हार्ट पम्प ब्लड. ठीक है, जैसे हमारा जो हार्ट है उसमें जो सेल्स हैं वो सारी हेल्प करती हैं टू पम्प द ब्लड. स्टमक में डाइजेशन होता है, मसल और स्केलेटन लोकोमोशन यानी कि मूवमेंट में हेल्प करते हैं. रेड ब्लड सेल कैरी ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी. तो हमारी बॉडी में जो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं और सब अलग अलग काम करते हैं. ठीक है,
अ ग्रुप ऑफ सेल्स विच परफॉर्म सिमिलर काइंड ऑफ एक्टिविटी टुगेदर फॉर्म अ टिश्यू. जब ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं ना, तो क्या होता है कि कुछ सेल्स ग्रुप बना लेती है और सेम काइंड सारे मिलकर एक ही काम को फुलफिल करते हैं, एक ही काम को कंप्लीट करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं टिश्यू. ग्रुप ऑफ सेल विच परफॉर्म सिमिलर काइंड ऑफ एक्टिविटी, ऐसी ग्रुप ऑफ सेल जो सब मिलकर एक ही काम को कंप्लीट कर रहे हैं, तो ऐसे ग्रुप ऑफ सेल को हम क्या बोलते हैं, टिश्यू. जैसे हमारा जो मसल सेल्स है वो सब मिलकर क्या बनाएंगे, मस्कुलर टिश्यू बनाएंगे, है ना. और फिर ये मस्कुलर टिश्यू हैं जो हमारे मूवमेंट में, बॉडी पार्ट के मूवमेंट में हेल्प करेंगे. मेनी टिश्यूज़ कम टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन. जब बहुत सारे टिश्यू मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गन. ठीक है, तो वो ऑर्गन जो होता है कैपेबल होता है टू कैरी आउट अ पर्टिकुलर फंक्शन. जैसे हार्ट एंड वेन आर डिफरेंट ऑर्गन्स विच कलेक्टिवली वर्क टुगेदर टू सप्लाई द ब्लड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी. दिस मेक्स आवर सर्कुलेटरी सिस्टम. फिर बहुत सारे ऑर्गन जो होते हैं आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, सिस्टम बनाते हैं. ठीक है, जैसे हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें हार्ट है और ब्लड वेसल्स हैं. ठीक है, हार्ट और ब्लड वेसल्स हैं, ये सब मिलकर इनका काम क्या है, टू सप्लाई द ब्लड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी. तो ये हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम बन जाएगा. व्हेन द डिफरेंट ऑर्गन्स वर्क टुगेदर टू परफॉर्म लिविंग एक्टिविटी दे मेक ऑर्गन सिस्टम लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम. ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या था, सेल्स. जब सेल में ग्रुपिंग हुई तो क्या बन गया, टिश्यू बन गया. और जब टिश्यू, एक से ज़्यादा टिश्यू मिले तो क्या बन गया, ऑर्गन बन गया. और जब कई सारे ऑर्गन मिले तो क्या बन गया, ऑर्गन सिस्टम बन गया. ठीक है, ऑर्गन सिस्टम बन गया. और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम से मिलकर पूरी क्या बन गई, बॉडी बन गई. ठीक है, ऐसे तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन होता है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो. ठीक है, ये देखिए कार्डियक सेल है, ये कार्डियक सेल है, फिर कार्डियक टिश्यू है, ये फिर हार्ट बन गया, और फिर हार्ट और ब्लड वेसल्स मिलकर आपका पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम बन गया. ठीक है, तो इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन होता है. सेल्स जो होती हैं अलग अलग शेप और साइज़ की होती हैं. ठीक है, कुछ राउंड आपको मिलेंगी, कुछ ओवल मिलेंगे, कुछ एलोंगेटेड मिलेंगे. तो ये डिपेंड करता है कि उनका फंक्शन क्या हो, सेल का शेप डिपेंड करता है उसके फंक्शन पे. जैसा उनका फंक्शन होता है वैसे उनका शेप होता है. जैसे मसल सेल एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट कर दिए ताकि वो हमें मूवमेंट दे सके, तो उसके लिए उसका जो स्ट्रक्चर होता है, जो शेप होता है, वो कैसा होता है, लॉन्ग एंड पॉइंटेड एट बोथ द एंड, स्पिंडल शेप होता है. नर्व सेल कैसी होती है, लंबी होती है. देखिए ये नर्व सेल है, बहुत लंबी होती है एंड ब्रांच प्रोजेक्शन होता है. इसका काम क्या है, टू रिसीव एंड ट्रांसफ़र मैसेजेस. तो मैसेज को जल्दी से जल्दी ट्रांसफ़र और रिसीव करने के लिए इनका जो शेप होता है वो क्या होता है, लॉन्ग होता है और ब्रांच्ड होता है. ठीक है, एंड रेड ब्लड सेल की बात करें तो ये स्फेरिकल होती है शेप में एंड इट कैरीज ऑक्सीजन अराउंड द बॉडी. तो सेल का शेप और साइज जो होता है वो वेरी करता है और डिपेंड करता है कि उनका फंक्शन कैसा है, फंक्शंस के बेसिस पे उनका शेप होता है. जैसे आप देख सकते हैं ये रेड ब्लड सेल है, वाइट ब्लड सेल, मसल सेल, फैट सेल, फाइब्रोब्लास्ट. ठीक है, नर्व सेल, गार्ड सेल, लीफ में पाई जाती है अमीबा, लीवर सेल, गॉलब्लैडर सेल. ओके, इसमें से ये जो अमीबा है ये हमेशा अपना जो शेप है वो बदलता रहता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ स्यूडोपोडिया. इसकी बॉडी में इस तरीके से एक अपर एक जो है एक आउटग्रोथ बनती रहती है और लगातार बनती बिगड़ती रहती है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्यूडोपोडिया या फॉल्स फुट. और इसके बनने बिगड़ने की वजह से, लगातार चेंज होने की वजह से इस सेल का कोई शेप नहीं होता, तो ये शेपलेस होता है, कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता है अमीबा का. ठीक है, अगर हम साइज़ की बात करें तो साइज़ भी डिफ़र करता है, लेकिन जो उनको मेज़र करने के लिए हम जो इस यूनिट का यूज़ करते हैं, द यूनिट विच वी यूज़ टू मेज़र द साइज़ ऑफ अ सेल, वो उसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोमीटर. याद रखेंगे, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, द यूनिट टू मेज़र द साइज़ ऑफ अ सेल इट इज़ कॉल्ड माइक्रोमीटर. इसको हम लोग म्यू एम से डिनोट करते हैं. ठीक है, म्यू इसको बोलेंगे म्यू और स्मॉल एम माइक्रोमीटर. वन माइक्रोमीटर में कितना होता है, वन माइक्रोमीटर में 10^-6 मीटर होता है. ठीक है, ये आप याद रखेंगे, या कह सकते हैं 10^-3 मिलीमीटर होता है. ठीक है, वन माइक्रोमीटर इज़ इक्वल टू 10^-6 मीटर. कीप दिस इन योर माइंड.
द साइज ऑफ अ सेल वेरीज फ्रॉम 0.1 माइक्रोमीटर टू एज बिग एज 170 मिलीमीटर इन लेंथ. द बिगेस्ट सेल साइज इज दैट ऑफ एन ऑस्ट्रिच एग. दुनिया का सबसे बड़ा जो सेल है वो क्या है? ऑस्ट्रिच एग. ठीक है, अभी मैंने बताया एग क्या है, एक सेल है, सिंगल सेल है. तो ऑस्ट्रिच का जो एग होता है वो दुनिया का सबसे बड़ा सेल है और इसका डायमीटर नियर अबाउट होता है 7 सेंटीमीटर. ठीक है, हमारी बॉडी में ब्लड सेल्स जो होती हैं वो स्मॉलेस्ट होती हैं और न्यूरॉन सेल जो होती है, अभी हम लोगों ने नर्व सेल देखा था ऐसे करके ब्रांच्ड, ठीक है, ऐसे करके ब्रांच, तो नर्व सेल जो है वो क्या है, सबसे लंबी सेल हमारी बॉडी में है. ठीक है, सेल का जो साइज होता है उससे और ऑर्गेनिज्म का जो साइज होता है उसमें कोई रिलेशन नहीं होता. देर इज़ नो रिलेशन बिटवीन द साइज ऑफ द सेल एंड ऑर्गेनिज्म. ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई ऑर्गेनिज्म बहुत बड़ा है तो उसकी सेल भी बहुत बड़ी बड़ी होगी, ऐसा नहीं है. इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द सेल्स ऑफ एन एलिफेंट बी मच बिगर देन द दोज इन अ रैट. ऐसा नहीं कि हाथी की जो सेल्स होंगी वो बहुत बड़ी बड़ी होंगी क्योंकि हाथी बड़ा है, और चूहे की बॉडी में सेल्स छोटी छोटी होंगी क्योंकि चूहा छोटा है, ऐसा नहीं है. दोनों में जो सेल का साइज़ है वो सेम टू सेम है. सिर्फ हाथी क्यों बड़ा है, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स उसमें ज़्यादा है. ठीक है, नंबर ऑफ सेल्स उसमें ज़्यादा है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल नर्व सेल आर लॉन्ग एंड ब्रांच्ड बोथ इन एलिफेंट एंड रैट. दे परफॉर्म द सेम फंक्शन ऑफ ट्रांसफरिंग द मैसेज. जैसे कि नर्व सेल दोनों में ही एक जैसी होगी, रैट में भी होगी, एलिफेंट में होगी, और ये सेम ही फंक्शन करेगी. अगर साइज अगर किसी ऑर्गेनिज्म का बड़ा है तो सेल साइज की वजह से नहीं, सेल नंबर की वजह से, उनके नोस में नंबर्स ज़्यादा होंगे सेल के. ठीक है, तो अभी हम लोगों ने देखा कि जो एग होता है, ठीक है, वो एक सिंगल सेल होता है. तो अगर मान लीजिए कोई एग है, उसको आप ले लीजिए, मान लीजिए कि आपने मुर्गी का, हैन का कोई एग है ले लिया और उसके शेल को रिमूव कर दिया, है ना, एंड सेल को रिमूव कर दिया और उसको आपने प्लेट में रख लिया. ठीक है, तो आप क्या देखेंगे कि उसमें एक वाइट मटेरियल है और एक येलो. ठीक है, ये बीच में येलो पार्ट होता है और उसके चारों तरफ क्या होता है, वाइट पार्ट होता है. तो ये जो वाइट पार्ट होता है, ठीक है, वाइट पार्ट होता है, ये इसको हम लोग बोलते हैं एल्ब्यूमिन. और ये आपने अगर देखा होगा तो ये जेली लाइक होता है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट और जेली लाइक, सेमी सॉलिड होता है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं एल्ब्यूमिन. और ये क्या होता है, ये रिप्रेजेंट करता है साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, सेल के अंदर के साइटोप्लाज्म को रिप्रेजेंट करता है. और जो थिकर येलो कलर का पार्ट होता है सेंटर में, उसको हम लोग बोलते हैं योक, उसको बोलते हैं योक. ये जो येलो कलर का आपको दिख रहा है, दैट इज़ कॉल्ड योक. और ये थिकर होता है और ये रिप्रेजेंट करता है न्यूक्लियस को. ठीक है, सेल के न्यूक्लियस को ये रिप्रेजेंट करता है. तो जैसे कोई भी नॉर्मल बेसिक स्ट्रक्चर सेल का होता है, अगर आपने देखा हो तो ये सेल मेम्ब्रेन होती है, आउटर लेयर, और फिर उसके बाद उसमें एक जेली लाइक फ्लूइड भरा होता है, इसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं, और एक न्यूक्लियस उसके अंदर होता है. ठीक है, तो ऐसा ही ये जो वाइट कलर का पार्ट है एग का, वो साइटोप्लाज्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो येलो पार्ट है वो सेल के न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो एग जो है वो एक सिंगल सेल है और उसमें आप साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस देख सकते हैं. यहाँ पर दिया है एवरेज साइज ऑफ डिफरेंट सेल्स इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म. ठीक है, देखिए लिविंग रेड सेल, रेड ब्लड सेल का एवरेज साइज क्या होता है, 9 माइक्रोमीटर. नर्व सेल का मोर देन अ मीटर और लॉन्ग. ठीक है, 1 मीटर से भी लंबी हो सकती है नर्व सेल. ग्रीन एल्गी का जो साइज होता है 10 सेंटीमीटर तक हो सकता है. ऑस्ट्रिच एक 170 मिलीमीटर इन डायमेंशन. ओके, तो सेल का साइज़ और शेप दोनों वैरी करता है और ये डिपेंड करता है उसके फंक्शन पे. ठीक है, एंड सेल के साइज़ को माइक्रोमीटर में डिनोट करते हैं. 1 माइक्रोमीटर होता है इज़ इक्वल टू 10^-6 मीटर या -3 मिलीमीटर. ठीक है, और सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी जो सेल है वो क्या है, ऑस्ट्रिच एग है. 170 मिलीमीटर उसका डायमेंशन होता है. और अगर सबसे छोटी, दुनिया के सबसे छोटी सेल की अगर हम बात करें तो वो क्या है, एक बैक्टीरिया है. उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, माइकोप्लाज्मा. ठीक है, इट इज़ अ बैक्टीरियम. ये एक बैक्टीरिया है और इसका नाम क्या है, माइकोप्लाज्मा. ये दुनिया का सबसे छोटा
सेल है। दुनिया में सबसे छोटी अगर कोई सेल है तो उसका नाम क्या है? माइकोप्लाज्मा, जो कि एक बैक्टीरिया है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे सबसे छोटी सेल क्या है दुनिया की? माइकोप्लाज्मा, एक बैक्टीरिया है। सबसे बड़ी क्या है? ऑस्ट्रिच एग, जो कि ऑस्ट्रिच का एक एग है, 170 मिलीमीटर्स का डायमेंशन होता है। और लॉन्गेस्ट सेल में आप याद रखेंगे नर्व सेल। ठीक है, नर्व सेल लॉन्गेस्ट, सबसे लंबी सेल में आप क्या याद रखेंगे? नर्व सेल याद रखेंगे। ओके, सो ये दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सेल का स्ट्रक्चर। ठीक है, सेल के स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करेंगे। अब तक बस इतना ही, इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो आई होप इट विल हेल्प यू। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।